जिले में शासन द्वारा संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा इत्यादि प्रमुख क्षेत्रों में जिले को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। अभात नवागत कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जिले में एक जिला एक उत्पाद के तहत चयनित पर्यटन में विकास की अपार संभावनाएं हैं। शीघ्र ही नई गतिविधियों को शुरू कर पर्यटन संवर्धन के साथ पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों को पर्यटन के माध्यम से रोजगार से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा की सतत मॉनिटरिंग कर आयोजित कार्यक्रमों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है, ताकि सभी पात्रों तक केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। जन सामान्य से प्राप्त शिकायतों के भी तत्परतापूर्वक निराकरण के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। मैंने परसों के दिन ज्वाइन किया है शाम को, और उसके बाद हमने सभी जिला अधिकारियों की बैठक ली। डिपार्टमेंट्स के संबंध में जो उनकी अभी योजनाएं चल रही हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, उसके संबंध में सब अधिकारियों ने अवगत कराया। उसके बाद कल जनसुनवाई थी, तो जनसुनवाई में हमने जनता के साथ इंट्रैक्शन किया और उनकी शिकायतों को प्राप्त करके निराकरण के निर्देश दिए। ड्राइवर्स की हड़ताल हमारे लिए एक चुनौती थी, तो उसके संबंध में हमने पेट्रोल पंप संचालकों के साथ, ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग ली, और जो भी संबंधित विभाग थे उन सभी के साथ मीटिंग लेके इंश्योर किया कि किसी भी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कमी जिले में ना रहे, निरंतरता बनी रहे, उपलब्धता बनी रहे। आज क्योंकि ड्राइवर्स की हड़ताल भी समाप्त हो गई है, तो इसको हम मॉनिटर करते रहेंगे, लेकिन ये अब इतना प्राथमिकता का विषय नहीं रहेगा। वर्तमान में जिले में उपार्जन की गतिविधि चल रही है, तो उपार्जन की मॉनिटरिंग एक प्रायोरिटी रहेगी, और विकसित भारत संकल्प यात्रा भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम शासन का चल रहा है, तो उसका मॉनिटरिंग हमारे लिए प्रायोरिटी रहेगा। मैम, सबसे बड़ी चुनौती शहर में अवैध खनन की है और पार्किंग को लेकर, किस तरह से आप जी आज के प्रेस मीट में आप सभी लोगों ने अवगत कराया है कि ये विभिन्न समस्याएं और मुद्दे हैं जिले के और शहर के, तो एक बार सारी परिस्थितियां समझकर उसके बाद में हम लोग जो कार्रवाई करेंगे और जो हमारी योजना होगी उसके संबंध में आपको बता पाएंगे। नर्मदापुरम से हिना अली की रिपोर्ट।